या सो यस्टरडे जब हम अष्टावक्र माँ गीता में इस चीज के बारे में बात कर रहे थे कि अल्टीमेटली तो हम एक पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पे हमको अब डिसीजन लेना है कि करना क्या है। ऐसे ही यही रख ऐसे ही रखना है या इसको इसका कुछ करना है, और उसकी नीड क्या है वो एक्शन लेने की, वो तो आपको मालूम रहनी चाहिए, वो तो पता ही रहेगी आपको। तो इट्स अप टू यू टू डिसाइड दैट, बट यू कैन नॉट गो इन द मोड जहां पे आपको ये लगे कि डिसीजन तो मैं ये लूं लेकिन कॉन्सिक्वेंस मेरे को, रिजल्ट मेरे को दूसरे वाले ऑप्शन का मिल जाए, है ना। बस वो मोड को अवॉइड करना। एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू स्टॉप टॉकिंग लाइक दैट। कि हम कई बार ऐसे ही मोड में फंसते हैं जहां पे हमें मालूम है कि हमको ये एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये एक्शन मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये एक्शन लेने में जो करेज लगता है वो मैं नहीं कर सकता, पर इसको करने से जो रिजल्ट आएगा मुझे वो रिजल्ट वो चाहिए, पर मेरे को ये करना ये नहीं है, मेरे को रिजल्ट ये चाहिए। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं करूं तो वो चीज जो आसान है और जो इजी है, लेकिन रिजल्ट ये आ जाए। ये मोड में तो दुनिया फंसी है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू नाउ एटलीस्ट रिकॉग्नाइज दिस, और उससे खुद तो मत फंसो। तो ये करो या वो करो, जो भी करो ये समझ के चलो कि जो करोगे उसी का ही रिजल्ट मिलेगा। करो ये और रिजल्ट कोई और मिले, ये जो चीज है ना ये इम्प्रैक्टिकल, इलॉजिकल, हर सेंस में नॉनसेंसिकल है, और दुनिया फंसी है इस चक्कर में। कोई यही करना है। तो विमेन स्टक इन टॉक्सिक मैरिजेस एंड ऑल दैट, यही यही बातें चलती हैं हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन क्लैरिटी कॉल हैपेंस, कि माय हस्बैंड डज दिस, माय हस्बैंड डज दैट, कैन ही नॉट डू, कैन ही नॉट स्टॉप डूइंग दिस एंड ऑल दैट। तो उनको कोई एक्शन नहीं लेना अपनी तरफ से। क्यों एक्शन नहीं लेना है उनको? क्योंकि उनका ना दे प्रोबली कम फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली, लाइफस्टाइल मीट हो रहा है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, सो दे हैव प्लेंटी ऑफ मनी, प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, अच्छा घर है, सब कुछ है, हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। तो उनको पता है कि ये टॉक्सिक है एंड देयर सेल्फ रिस्पेक्ट इज गेटिंग डैमेज एंड ऑल दैट, ये मालूम है, पर उनको छोड़ना भी नहीं है। उनको कोई स्टेप भी नहीं लेना, उनको कोई हार्श स्टेप नहीं लेना, क्योंकि हार्श स्टेप ले लिया तो फिर कहीं बात बिगड़ ना जाए, विच हैपन्स एट वर्क ऑल्सो। पीपल फेसिंग टफ मैनेजर्स और अदर थिंग्स, दिक्कत हो रही है, मैनेजर ने बिल्कुल मतलब लगा के रखी हुई है और एंड ऑल दैट, पर बोलना भी कुछ नहीं, बोल दिया तो कहीं जॉब ना चला जाए, क्योंकि सैलरी अच्छी मिल रही है, सैलरी अच्छी चाहिए, वो सब बढ़िया है, वो सब सही चल रहा है, लेकिन मैनेजर बेटर हो जाए, मैनेजर ये हो जाए, मैनेजर वो हो जाए। तो उनको खुद नहीं कुछ एक्शन लेना है, ना तो मैनेजर से बात करनी है, ना जॉब चेंज करना है, कुछ कुछ भी नहीं करना है उनको, पर उनको रिजल्ट वो चाहिए कि भाई मेरा मैनेजर चेंज हो जाए तो सब बढ़िया हो जाए। तो नहीं हो रहा ना, तो अब कब इस डिल्यूजन से बाहर निकलोगे कि वो तो नहीं हो रहा ना। अब आपको या तो आप ये एक्सेप्ट कर लो कि भाई दिस इज इट, यही मेरा फेट है, आई हैव डिसाइडेड टू बी इन दिस कंपनी, मेरे को यहाँ की सैलरी पसंद आ रही है, मेरे को यहाँ की बहुत सारी चीजें जो पसंद आ रही है, ये मैनेजर पसंद नहीं आ रहा, अब यही मेरी किस्मत है, अब आई अब रहो ऐसे ही, अब लाइक फाइंड योर हैप्पीनेस इन दैट सिचुएशन। तो या फिर उसको चेंज करो, चेंज नहीं करना है लेकिन रिजल्ट वो चाहिए जो चेंज से आएगा। ये नॉनसेंसिकल है। तो ये डिसीजन पॉइंट जब आता है, ये डिसीजन पॉइंट पर आपको डिसीजन लेने की जरूरत है कि या तो फाइंड योर हैप्पीनेस इन दैट सिचुएशन, डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट, नोबडी इज आस्किंग यू टू डू एनीथिंग अबाउट इट। आप यहां तक पहुंच गए हो, आपने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, आप यहां तक पहुंच गए, गुड, अब डिसीजन है कि अभी क्या करना है।
अभी आप डिसाइड नहीं, कुछ नहीं करना। आई डोंट हैव द करेज टू टेक फर्दर स्टेप इन इन दिस। बस यहीं तक ही आ सकता, मैं बस यहीं तक ही आ सकता था। बस हो गया, देख लिया मैंने। बढ़िया है, दैट इज ऑल्सो फाइन। यू रिकॉग्नाइज दिस अबाउट यू एंड ऑल दैट, एंड नाउ यू फाइंड योर ओन वर्जन ऑफ हैप्पीनेस इन दिस सिचुएशन। क्योंकि अब ये सिचुएशन तो ऐसे ही रहने वाली है। ये सिचुएशन आपने रियलाइज कर लिया, आपने उसको देख लिया, आपने उसको स्टडी कर लिया, एनालाइज कर लिया, इससे वो सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। क्योंकि सिचुएशन तो वही थी, चाहे आप इग्नोरेंट थे, जब आप इग्नोरेंट थे तब भी वैसे ही हो रहा था, अब आपने उसको जान लिया है तभी भी वैसे ही होगा। आपके इग्नोरेंस के चले जाने से वो सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। ये तो सबको क्लियर है ना, ये पॉइंट तो, कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कोई चीज, नोटिस कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, हमें ज्यादा अभी ज्ञान हो गया है, उससे वो सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। सिचुएशन तो एक्शन से चेंज होती है। सिचुएशन आपकी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर होने से थोड़ी चेंज होती है। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर होने से आपको ये मिलता है कि अब करना क्या है, क्या एक्शन लेना है। अभी तक आपको ये पता था कि आपको ये होता एक्शन लेना, एक्शन लेना, लेकिन लेना क्या है एक्शन, किस डायरेक्शन में लेना है, क्या एक्शन लेना है, वो पता लगाने के लिए हमने इतनी लंबी चौड़ी एनालिसिस की, ताकि आप ऐसे पॉइंट पर पहुंचो जहां पे आपको सारी सिचुएशन क्लियर हो जाए, आपके सारे ऑप्शंस क्लियर हो जाए, आपको ये पता चले आप ये एक्शन लेना है तो ये ऑप्शंस है, ये एक्शन लेना है। ये ऑब्जेक्टिव था। बाकी यहां तक पहुंच के अभी तक एक्शन नहीं लिया है, अभी तक सिर्फ एक्शन की बातें करी है, अभी तक सिर्फ एनालिसिस किया है, अभी तक सिर्फ कॉन्टेम्पलेशन किया है, सिर्फ प्लानिंग की है, तो ये समझ लो कि इससे सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आने वाला। सिचुएशन वैसी की वैसी ही रहने वाली है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है उस सिचुएशन के बारे में, दैट्स ऑल। अब ये डिसीजन पॉइंट आता है आपके पास, ये करना क्या है। अब एक्शन मोड में आओगे तो आगे कुछ होगा। हाँ, एक्शन मोड ये भी हो सकता है कि मुझे कुछ नहीं करना, नाउ आई अंडरस्टैंड, नहीं है मेरे पास अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में, मेरे को नहीं कुछ भी खिलाना, मेरे को कुछ अपसेट नहीं करना है, जैसा चल रहा है वैसा बढ़िया, दैट इज ऑल्सो फाइन। क्योंकि उसमें भी एक एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा, ये कि नाउ यू फाइंड योर वर्जन ऑफ हैप्पीनेस इन दिस सिचुएशन। अब बार बार घूम घूम के वही बातें तो नहीं कर सकते, इतनी सारी यहां तक आने के बाद तो ये क्वेश्चन पूछना कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, नॉनसेंसिकल हो जाता है। सारी एनालिसिस करके तो आप यहां पहुंचे हो, सारा तो आपको पता है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, अभी फिर वही पूछ रहे हो व्हाई, तो ये तो बस वही दिखा रहा है कि कुछ करना नहीं है टाइम पास करने के लिए, एक्शन लेना नहीं है टाइम पास करने के लिए, बस वाई में अपने आप को बिजी रखे जा रहे हो, बस वाई वाई वाई। पता तो है वाई, अब यू मेक अ डिसीजन विद योर सेल्फ कि नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड माई वर्जन ऑफ हैप्पीनेस इन दिस सिचुएशन, एंड दैट्स इट।